हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुल्फास वर्ल्ड। मैं हीना और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक साउथ इंडियन मील। एक्चुअली इसे साउथ इंडियन फीस भी बोल सकते हैं। आज के फीस के मेन्यू में प्योर वेज है, 100% प्योर है, बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं है। सो इसमें मैंने टोटल 10 रेसिपीज मैंने बनाया है एंड वो 10 रेसिपीज मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सॉरी, एक्चुअली 10 डिश मैंने बनाया है लेकिन यहाँ पे मैंने 8 रेसिपीज ही शेयर किया है। रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों करके। हम लोगों का ये मील प्लान जो है वो अचानक ही बना। मेन रीज़न मेरे हस्बैंड ही है, उनको एक्चुअली प्रॉपर साउथ इंडियन फूड खाना था, स्पेशली सरवना भवन का। यहाँ पे सरवना भवन है पर अभी बाहर खाना इतना ठीक नहीं है, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग घर में बना लेते, ये सब चीज़ आराम से बन जाएगा। सो टोटली मुझे ये 10 डिशेस बनाने के लिए मुझे अराउंड 3 आवर्स लगा। हम मतलब मैं और चाचा दोनों मिलकर ही बनाए। अगर आपके कोई वेजिटेरियन फ्रेंड है तो ज़रूर आप इस तरीके का दावत जो है वो ट्राई करके देखिए, ज़रूर उनको पसंद आएगा। एंड ये सारे रेसिपीज बहुत ही ईजी है बनाने के लिए, तो आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूर यूजफुल रहेगा। सो आज मैंने बनाया है स्वीट में केसरी। ये परवाल की सब्जी है, इंग्लिश में स्नेक गार्ड बोलते हैं। ये आके चौली की सब्जी है। ये कैबेज पोरियल है, वत्त कोलम्ब रसम, इसको मोर कोलम्ब बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे बनाया है मांगा पचड़ी, ये सांबा राइस एंड अपलम। तो आइए देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं बना रही हूँ वत्त कोलम्ब। सो हम पहले ऑयल को हीट कर लेंगे। मैंने अराउंड यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1/2 टीस्पून ऑफ मेथी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून राई। राई के साथ साथ मैंने थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर लिया है उसी में मिक्स करके। वंस राई जो है वो स्प्लैटर होने लग जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे अनियंस। यहाँ पे मैंने स्मॉल अनियंस यूज़ किया है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सो आप यही अनियंस यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। सपोज़ अगर आपके पास स्मॉल अनियंस नहीं है तो आप नॉर्मल हमारे घर में जो अवेलेबल है वो अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसमें अगर बिग अनियन यूज़ कर रहे हैं तो आप अराउंड 2 chopped onion यूज़ कीजिए। अनियंस को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे, उसका हल्का सा जो कलर है वो रेडिश कलर होने तक हम इसको सॉटे करके लेना है। इसी में मैंने 10 कली लहसुन के जो 10 कली होते वो मैंने ऐड किया है, और 4 हरी मिर्ची और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करके इसको सॉटे कर लीजिए। लहसुन अच्छे से भुनने के बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 big size tomato chopped, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके सॉटे कर लेंगे। अच्छा, जो हमारा टोमेटो का स्किन जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए, तब तक हम इसको भून लेना है। सो अभी हमारा टोमेटोज जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून ऑफ सांबार पाउडर। सांबार पाउडर से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड करें। और सॉल्ट हैज पर योर नीड। सारे मसालों को हम एक मिक्स दे देंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, 1 ग्लास पानी, ताकि वो मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो सके। मैंने जो पानी ऐड किया था वो अच्छा कुक होके गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज में अभी ऐड करना है इमली का पानी। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ इमली का पानी ऐड किया है। इसे हम स्लो फ्लेम पे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। सो हमारा ग्रेवी जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है एंड गाढ़ा भी हो गया है। इस स्टेज में मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई वेज, इसको बोलते हैं वत्तल। मैं आपको इसका पैक जो है वो शेयर करती हूँ। ये सन ड्राइड होता है, सो इसको आप लाइटली ऑयल में फ्राई कर लीजिए एंड उसको बाद में इसमें ऐड करना है। तो यही है वो पैक जो मैंने अभी ऐड किया था, उसको वत्तल बोलते हैं। आपको ये सुपरमार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगा। इसे ऐड करने के बाद बस सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल कीजिए, देन गैस ऑफ कर देना है। हमारा वत्ता कोलम्बू जो है वो रेडी है।
नेक्स्ट मैं बना रही हूँ पर्प रसम। सो इसके लिए हम पहले ऑयल हीट कर लेंगे, अराउंड 3 to 4 tablespoons ऑफ ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ राई, इसी में 3 ड्राई चिलीज और करी पत्ता। इसमें 1/2 teaspoon हिंग ऐड करके हम सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्राउंडेड मसाला। ग्राउंडेड मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए 1 tablespoon ऑफ क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, 1 tablespoon ऑफ पेपर और 5 से 6 लहसुन की कली। इन सबको आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्ची को स्लिट करके ऐड कर लीजिए। सबको भुनने के बाद ऐड करेंगे 1/2 teaspoon हल्दी। अब इसमें डालने के लिए हम इमली का पानी जो है वो रेडी रखेंगे। इमली को भिगाकर उसका जो रस है वो निकाल के अलग से रख लीजिए। एंड एक टमाटर को आप हाथ से मसल लीजिए, मसल के उसी इमली के पानी में ऐड करके रख लीजिए। अब इस स्टेज में हम इमली के पानी को ऐड कर लेंगे। अराउंड 2 cups ऑफ इमली का जूस होना चाहिए तो आपको थोड़ा खट्टापन मिलेगा रसम में। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको पर्प रसम बोलते हैं, पर्प यानी कि दाल। तो यहाँ पे तुअर दाल जो है वो हम ऐड करेंगे। सो ऑलरेडी मैंने तुअर दाल को कुक कर लिया है, अराउंड 3 to 4 whistle पे मैंने उसको कुक करके अलग से निकाल के रख लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। सो अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। हैज़ आपको जितना सॉल्ट चाहिए होगा उस अकॉर्डिंगली आप सॉल्ट ऐड कर लीजिए। तो अभी हमें दाल का जो पानी है वो ऐड करना है। तो याद रखिए कि सिर्फ दाल का पानी ऐड करना है। दाल थोड़ा बहुत हो तो चलेगा लेकिन ज्यादा दाल नहीं होना चाहिए, दाल कम और उसका पानी ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि जो मैंने सांभर के लिए जो दाल मैंने बॉईल करके रखा था उसमें का ऊपर से सिर्फ पानी मैंने लिया है। सांभर के लिए दाल अलग से रख लिया है एंड सिर्फ उसका पानी जो है वो मैंने रसम के लिए यूज कर लिया है। अब हम इसमें फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता ऐड करके बस हल्का सा बॉईल आने तक वेट करेंगे। हल्का सा उबाल आ जाएगा तो हम ऑफ कर देंगे, बहुत बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा बबल्स दिख जाए तो आप ऑफ कर देना है तुरंत। सो हमारा पर्प रसम जो है वो भी तैयार हो गया है। अगला रेसिपी सांभर है। सांभर बनाने के लिए आपको ऑयल हीट करना है। आप अराउंड वही सेम 3 to 4 tablespoons ऑफ ऑयल ले लीजिए। ऑयल हीट होने के बाद 1 tablespoon ऑफ राई ऐड कर लीजिए। राई स्प्लैटर होने के बाद में हम ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन ही, इसको हम वड़गम बोलते हैं तमिल में, हिंदी में क्या कैसे बताऊँ मुझे पता नहीं। आप इसको स्किप कर लीजिए इस पार्ट को, सिर्फ आप राई ऐड कीजिए एंड इसको अच्छे से स्प्लैटर होने के लिए छोड़ दीजिए। स्प्लैटर होने के बाद में हम ऐड करेंगे ऑनियंस, 1 chopped onion ऐड कर लीजिए। अनियन का कलर हल्का सा चेंज होने तक हम इसको अच्छे से सॉटे करके लेना है। इसी में हम कड़ी पत्ता भी ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने 4 green chili भी ऐड कर लिया है। अनियन अच्छा सॉफ्ट हो चुका है एंड इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम ऐड करेंगे 1 chopped tomato। टोमेटोज को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम कुक कर लेना है। सो आज मैं सांभर के लिए ड्रमस्टिक और ब्रिंजॉल यूज कर रही हूँ। बैंगन इसको मैंने क्लीन करके कट करके वॉश करके रख लिया है। सो अब वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब बेसिकली सांभर के लिए कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, हर वेजिटेबल सांभर के लिए बहुत अच्छा जाता है। सो आपका चॉइस है, अब आपके हिसाब से वेजेस ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अराउंड 1 minute के लिए हम सॉटे कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके छोड़ेंगे। देन फिर सारे मसालों को ऐड कर लेना है। अब हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon चिल्ली पाउडर, 2 tablespoons सांबार पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट,
सारे मसालों को हम एक अच्छा मिक्स दे देंगे। देन इसमें हम ऐड करेंगे पानी, अराउंड 2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर लीजिए, या फिर आपको जितना वेजिटेबल को कवर करना है उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर लो, ताकि वेजिटेबल जो है वो अच्छे से कुक हो सके। अभी इसे हम 10 मिनट्स के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पे रख देंगे अच्छे से बॉईल होने के लिए। 10 मिनट के बाद हमारा जो वेजिटेबल है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब ऐड करेंगे तूर दाल, ऑलरेडी जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर लिया है, और एक स्मॉल साइज बाउल साइज का हम लोग इमली का पानी भी ऐड कर लेंगे, और आपको जितना पानी चाहिए होगा ग्रेवी के लिए आप उतना पानी ऐड कर लीजिए। कभी कभी दाल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो अगर बहुत गाढ़ा रहा तो आप थोड़ा पानी ऐड करके इसको बॉईल करने के लिए रखना है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्रेशली चॉप कोरिएंडर्स एंड करी लीव्स, ऐड करके अराउंड 5 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से बॉईल करना है। सो 5 मिनट के लिए सांबार जो है वो बॉईल हो गया है, अब हम इसको ऑफ कर देंगे। सो हमारा सांबार जो है वो रेडी हो गया है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ सब्जी, ये पडवाल की सब्जी है, इसको स्नेक गार्ड बोलते हैं। सो सबसे पहले हम ऑयल को हीट कर लेंगे, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून राई, थोड़ा सा जीरा और 2 टेबलस्पून चना दाल। इसी में हम 1 स्मॉल साइज ऑनियन चॉप करके ऐड कर लेंगे, इसको अच्छे से सॉटे कर लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टमाटो और 2 से 3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। 1 मिनट तक इसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे वेजेस जो ऑलरेडी मैंने कट करके रखा हुआ है। ये पदवाल यानी कि स्नेक जो स्नेक गार्ड है, इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो अब हम ऐड कर लेंगे इसमें। ऐड करने के बाद हम इसको एक अच्छे से मिक्स दे देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी, सॉल्ट हैज पर योर टेस्ट। इसमें भी हम बॉईल किया हुआ दाल को ऐड करेंगे। सो मैंने छोटा बाउल में दाल जो है ऑलरेडी कुक किया हुआ था तूर दाल, वो मैंने ऐड किया है, और हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि वो वेजेस जो है वो कुक हो सके। ये सब्जी आके थोड़ा सा गीला ग्रेवी टाइप होगा, ज्यादा भी ड्राई नहीं होगा, थोड़ा बहुत हम लोगों ने दाल सब डाला है, थोड़ा थिक होगा। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, अच्छा मिक्स करने के बाद हम अराउंड 10 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे ढककर इसको पकाएंगे। सो मीनवाइल जब तक ये वेजिटेबल कुक होता है तब तक हम कोकोनट का पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोकोनट और 2 ग्रीन चिली ऐड किया है, 4 to 5 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट मैंने लिया है, इसको हम अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। वंस हमारा वेजिटेबल अच्छा सॉफ्ट मैशी हो जाएगा तो फिर हम कोकोनट पेस्ट को इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। कोकोनट पेस्ट ऐड करने के बाद अराउंड 2 to 3 मिनट्स तक हम इसको अच्छे से बॉयल आने के लिए रखेंगे, एंड कुक होने के बाद में हम गैस ऑफ कर देंगे। सो हमारा ये जो सब्जी है वो रेडी हो गया है। सो नेक्स्ट रेसिपी है आम का मुरब्बा बोल सकते हैं हम लोग इसको, हम आंगा पचड़ी बोलते हैं। सो जैसा आंवले का मुरब्बा होता है बिल्कुल वैसा ही आम का मुरब्बा हम बना रहे हैं। सो ऑयल हीट कर लेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, उसमें मस्टर्ड सीड को ऐड करके स्प्लैटर करने के लिए छोड़ेंगे। देन करी लीव्स ऐड करना है, देन इसमें हम ऐसे ही कट किया हुआ जो रॉ मैंगोज है उसको स्किन निकाल कर स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी, अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, इसको एक अच्छा मिक्स दे देंगे। अभी इसमें हमें गुड़ ऐड करना है, सो मैंने 2 टेबलस्पून गुड़ जो है उसको अच्छे से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कूट लिया है, एंड इसको मैं ऐड कर रही हूँ। सो अब इसको अच्छे से कुक करने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे पानी हम मैंगोज रॉ मैंगो जो है कच्चा कैरी कुक होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है राइट, तो पानी हम ऐड करके इसको कुक करना है। पानी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए आप इसको कुक होने के लिए रखिए, बीच बीच में आप हिलाते रहिए।
इसका फ्लेवर जो है बहुत ही टैंगी फ्लेवर होता है, क्योंकि इसमें हमने स्पाइस भी ऐड किया है, थोड़ा बहुत फीका भी होगा, मीठा भी होगा एंड करी का खट्टापन भी होगा। बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस रहता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं करी जो है वो अच्छा कुक हो चुका है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट एंड पल्पी हो गया है एंड हमारा जो पानी जो हम लोगों ने डाला था वो भी बहुत थिक हो गया है। सो हमें इस स्टेज में हमें जो है गैस ऑफ कर देना है, बस इतना ही, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत टेक्स्चर होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ कैबेज पोरियल। सो सेम लाइक ऑयल हीट करना है, अराउंड 3-4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल को हीट कर लीजिए, उसमें जीरा और मस्टर्ड ऐड कर लीजिए। देन इसमें हम ऐड करेंगे 1 चॉप्ड अनियन, 3-4 ग्रीन चिली स्प्लिट किया हुआ एंड इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ चना दाल, 2 टेबल स्पून चना दाल ऐड करना है, इसे भी हम सॉटे कर लेंगे। दाल अच्छे से सॉटे होने के बाद हम ऐड करेंगे कैबेज। कैबेज को अच्छा बारीक स्लाइस करके ले लीजिए एंड इसको ऐड करना है एंड इसे और थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए मैंने कैरेट भी ऐड किया है, तो मैंने हाफ कैरेट को ग्रेट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। सो इससे इसका कलर जो है वो भी बहुत अच्छा खिल के आता है एंड इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स दे देंगे। एक्चुअली मेरा पैन जो है वो थोड़ा छोटा पड़ गया, लेकिन इट्स ओके क्योंकि कैबेज कुक होने के बाद जो है वो श्रिंक हो जाता है, तो थोड़ी देर में ये क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगा। अभी इसमें हमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी, सॉल्ट भी ऐड कर लीजिए एज पर योर टेस्ट एंड देन इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर। अब इसको हम अच्छा मिक्स दे देंगे और स्लो फ्लेम पे अराउंड 15 मिनट्स के लिए हम इसको कुक करेंगे। बीच बीच में हिलाते रहना है एंड जब तक जो कैबेज है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाता तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। वंस ये हो जाएगा देन गैस ऑफ कर लेना है, दैट्स इट। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ चौली की सब्जी, उसके लिए हम ऑयल हीट कर लेंगे, सेम 3-4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ राई एंड उसमें मैंने ऐड किया है स्मॉल साइज ऑनियन, चॉप्ड ऑनियंस और 5-6 गार्लिक क्लव्स, 2-3 ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इस सबको हम अराउंड 1 मिनट के लिए सॉटे करके लेंगे। अनियंस हल्का सा कलर चेंज होने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटोज, मैंने 1 चॉप टोमेटोज ऐड किया है। एज यूजुअल टोमेटो सॉफ्ट होने तक हमें इसे कुक कर लेना है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मूंग दाल, मैंने ऑलरेडी 1/2 कप मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके लिया है, वो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। दाल को ऐड करके 2 मिनट के लिए हम सॉटे कर लेंगे। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर योर नीड। यहाँ मैं चवली सब्जी ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं या फिर लाल साग ऐड कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट के बाद जो है वो वेजिटेबल कुक होके श्रिंक हो जाएगा। इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे, कुक करने के लिए आपको जितना पानी चाहिए होगा उतना पानी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर अराउंड 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ। देन हम इसको ढक कर 3 विसल के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। प्रेशर सब जाने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो पानी ऐड कर लीजिए एंड इसके ऊपर मैं ग्रेटेड कोकोनट ऐड करके अराउंड 2-3 मिनट्स के लिए हम इसको वापस से बॉईल पे रखेंगे। ये सब्जी जो है वो गाढ़ा हो चुका है एंड रेडी है, दैट्स इट। अभी हमें इसे ऑफ कर देना है। सो हमारा ये सब्जी भी कम्प्लीट हो गया है। तो ये है हमारा आज का फाइनल रेसिपी। ये मैं बना रही हूँ दही का कड़ी, सो इसको हम लोग मोर कलमू बोलते हैं। ये बनाने के लिए ऑयल हीट कर लेंगे, 2-3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। उसमें हम मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे, राई, जीरा, ड्राई चिल्ली और थोड़ा करी लीव्स को ऐड करके हम इसको तड़का मारेंगे। बस तड़का ही देना है, डायरेक्ट जो दही है हम उसमें पॉर कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने अराउंड 1 कप ऑफ दही को
दो कप ऑफ वाटर में मिक्स करके वाटरी कंसिस्टेंसी पे रखा है, उसमें मैंने तड़का दे दिया और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है। सो मेरा ये आज का वीडियो जो है यही एंड होता है। आई होप कि आपको सारे रेसिपीज पसंद आए होंगे। सो टोटल 10 रेसिपी में से मैंने 8 बता दिया, 2 चावल और एक केसरी है, वो दोनों कॉमन है, सबको पता है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।